जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया है नया, उसमें जो बड़ा चेंज है वो ये चेंज है कि जो सेक्शन 32 था उसको कोई और नंबर दे दिया है। सिर्फ नंबर्स को चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिए नंबर। मुझे पता नहीं कि उनका क्या आशय रहा। दूसरा, या तो दम था तो आप नया ही बनाते, उन्हीं चीजों को रिपीट करके अपने नाम लिखाना, ये हमने बना दिया, इसे हम क्या कहें, ना समझी कहें या क्या कहें। दूसरी, सिस्टम में इतना घातक होगा कि हर बार जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा है उन लोगों को देखने पड़ेंगे बार बार सेक्शन, ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, कितने सारे एडवोकेट्स को ये दिक्कत आएगी। तो मैं तो इसे कहूंगा एक मूर्खतापूर्ण कदम, इससे बड़ा कदम कुछ हो नहीं सकता। अरे भाई, इतने सालों तक, 1872 का एक्ट है ना, अमेंडमेंट तो हुए होंगे ना इसमें, लेकिन एक सीक्वेंस को कभी चेंज नहीं किया। जैसे जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ये नहीं समझते हैं कि क्या चेंज किया है, गृह मंत्री जी कह रहे थे अब तक ये संहिता थी, न्याय नहीं किया, दंड का काम किया है, दंड संहिता की जगह हमने इसका नाम न्याय संहिता रख दिया। तो तुमने चेंज क्या किया? कुछ भी चेंज नहीं किया, और तुम चेंज कर भी नहीं सकते, इतनी समझ आप में है नहीं कि आप इसमें कुछ चेंज कर सकें, क्योंकि ये सिद्धांतों के आधार पर धीमे धीमे चीजें डेवलप हुई हैं। अब एविडेंस को भी आपने सारे सेक्शंस को ऊपर नीचे करके पूरे भारत में करीब करीब 20 लाख एडवोकेट्स होंगे, लाखों स्टूडेंट होंगे, हजारों की संख्या में जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, उन्हें तुम याद कराओगे? इन चीजों को तुम करोगे याद उन्हें? वो कैसे याद करेंगे इन सब चीजों को? चीजें वही हैं, नंबर्स चेंज कर दिए आपने। हाँ, तुम बिल्कुल ही नया कुछ लिख के लाते, डैन डिक्लेरेशन की, डैन डिक्लेरेशन क्या होता है उसे चेंज ही कर देते, एडमिशन क्या होता है उसे चेंज ही कर देते, तब तो तुम्हारी महारत समझी जाती कि तुम होशियार व्यक्ति हो, और आपके लॉ कमीशन में लोग भी बड़े विद्वान बिठा रखे हैं जिन्होंने ऐसे चेंज किया, सारा सत्यानाश करके रख दिया। तो मैं तो कहूंगा कि जब अगली सरकार आए तो उसके ये विधेयक को रद्द करना चाहिए, और जो चल रहा है, हाँ ठीक है, तुम उसमें चेंज कर दो ना, जो चीजें काम नहीं आ रही हैं वो चीजें डिलीट हो जानी चाहिए थी। क्या लिखाना चाहते हो? इस बिल्डिंग को मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं इसमें रंग कलर कर देता हूं तो ये मेरी हो जाएगी। तो ऐसी ना समझी के काम यही लोग कर सकते हैं, और तो कभी किसी ने किया नहीं। अरे भाई, चेंज करने का तरीका होता है ना, चेंज करो ना, आप चेंज करना चाहते हो तो जो चीजें अनुपयोगी हो गई हैं उन्हें हटा दो, और ये हमेशा चलता रहेगा, केवल आपके समय में ही थोड़ी चल रहा है। जब नार्कोटिक ड्रग्स नहीं थे तो इसलिए बाद में एनडीपीएस एक्ट लाना पड़ा, अन्यथा तो वो भी तो पीनल लॉ ही है, दंड विधि ही है। अब न्याय संहिता करके न्याय करोगे तो आप दंड नहीं दोगे, आप अपने घर ले जाओगे उनको। अरे दोषी होगा तो फिर दंड ही दोगे या एक्यूटल करोगे? कैसी सब, अब तक इसने न्याय नहीं किया है, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला था, उन्हें जेल में रहना पड़ा था। ऐसी बातें हैं, पता नहीं, मुझे तो कई आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग भी इतने इतने बड़े पदों पर बैठ के क्या कर रहे हैं। तो देखो, मेरे को तो कोई, मैंने देखा उस ड्राफ्ट को, मुझे तो कोई अप्रोप्रिएट नहीं लगा। चेंज नहीं है ना, नंबर चेंज कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, इसकी सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस बनाई? कभी सोचा कि ये सीक्वेंस क्यों है? भाई, आपने, आपका मन था कि इसका नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते आप लिख देते मोदी जी संहिता, तो भी कोई बुराई नहीं थी, लिख देते अमित शाह संहिता, तो भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन इसके नंबर्स को चेंज करके क्या मतलब था? बिल्कुल अनुपयोगी और व्यर्थ चीजें की हैं, जो होनी चाहिए वो नहीं की गई हैं। तो मैं तो इसका, मैंने ड्राफ्ट देखा था कल, तो मेरे को कोई चीजें ऐसी नहीं लगी कि जिनसे कोई उपयोगी बनाया हो सब्जेक्ट को। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं चीजें, वही पढ़ेंगे। अब जैसे मैं अभी आपको बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ाने वाला हूँ, क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ में? क्या कर सकते हैं आप बर्डन ऑफ प्रूफ में? बर्डन ऑफ प्रूफ एक टाइप का सिद्धांत है, ठीक है ना, उसमें आप क्या चेंज करोगे, कैसे करोगे चेंज? हमें तो अपने लिए और स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया,
पता नहीं, बस चले तो इस देश का क्या ही भट्टा ही बैठाए, अब तक तो बैठा ही रखा है और भी बैठा। चलो कम टू द पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, फिर भी आप पूछना चाहते तो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें होने चाहिए, क्योंकि इम्पार्शियल व्यक्ति ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। आपके ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं भाई? हम पार्शल, आपकी कोई पार्शलिटी नहीं है, तो आप पे आरोप क्यों लग रहे हैं? आपको तो राजी होना चाहिए, ठीक है कोई भी हो इलेक्शन कमीशन, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा होना चाहिए जो उसमें बेईमानी ना करे, आपके सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन, और वो भी कैसे पारदर्शी इलेक्शन, कोई ये ना कहे इसमें बेईमानी हुई है। और क्यों कहना चाहिए किसी को बेईमानी हुई है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहने से आप पर क्या असर पड़ रहा है? आप बिल पास कर देंगे तो आपको ये नहीं पता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगी, तब आपको मौखी खानी पड़ेगी, क्या करेंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप लोग चाहते हो कि डेमोक्रेसी एक दिन समाप्त हो जाए, तो डेमोक्रेसी को समाप्त तो नहीं कर सकते आप। शुरुआत आप इलेक्शन कमिश्नर को अपने अपने इंटरेस्ट का रख के डेमोक्रेसी को समाप्त करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट आपके इन संसद बनाए हुए कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा। ऐसा आप आते ही कर चुके हैं, जब 2014 में आए तब आप एनजेएसी लाए और आपने जजेस अपॉइंटमेंट में अपना आदमी घुसाने की कोशिश की कि उसमें विधि मंत्री भी होगा, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक कर दिया। क्यों? क्योंकि आप जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल करना चाहते थे। और जो जजेस की पावर्स को कर्टेल क्यों करना चाहते हो? क्यों लगता है आपको जजेस हमसे ऊपर हैं? आप कोई इलीगल काम मत करो, आप शुद्ध सेवा करो, और सेवा की आड़ में कुछ और कर रहे हो, भाषण कुछ और देते हो। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ लाल किले से, उन्होंने कहा कि तीन चीजें बड़ी बुरी हैं। एक कहा भ्रष्टाचार, भारतवासियों को कहा आप मेरे परिजन हैं, लेकिन सबसे बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगने चाहिए? एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि आपने 20,000 करोड़ रुपए वो किसके थे? आप जवाब नहीं दे पाए इस बात का, उनकी जांच हो रही है, और आप ऊपर की एजेंसीज में बैठे हैं, आपके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं कि आपने चीजों को बेच रहे हैं और उनके औने पौने दाम ले रहे हैं, और उसके आड़ में आपकी पार्टी को लोग फंडिंग कर रहे हैं। आपके ऊपर आरोप क्यों लगने चाहिए? लगने नहीं चाहिए। या तो राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगे थे, या आप पे लग रहे हैं, और तो देश के किसी प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। राजीव गांधी जी पे ये आरोप बीपी सिंह ने लगाया था कि बोफोर्स तोपों की खरीद में दलाली ली गई है, या मोदी जी के ऊपर दबा के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सारी पार्टियां कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि परिवारवाद, आप एक परिवार के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी को भी उतना ही हक है चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का, जितना आपको है। अब रही बात कि आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर नहीं थे, आपके पिताजी का ऐसी इस देश की आजादी में या किसी में योगदान नहीं था, तो इसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है, वो उस घर में पैदा हुआ, तो इसकी शायद राहुल गांधी ने तो नहीं किया कि उसे किसके यहाँ पैदा होना है। दूसरी बात, आपके यहाँ सबसे ज्यादा परिवारवाद है, सारे आपके नेताओं के परिवार हैं, दुर्भाग्यवश आपके नहीं बनी, आपने पत्नी को छोड़ दिया, नहीं तो आपके बच्चे आपके भी परिवार भी हो जाते। और ये कहना कि उन्होंने शादी नहीं ली की किसके लिए कमाएंगे, बहुत सारे डाकुओं की भी शादी नहीं होती है, डाकू किसके लिए कमाते हैं? ये कहना कि जिनके शादियां हो गई हैं वो भ्रष्ट होते हैं, ये तो महाबदमाशी है। तो एक तो भ्रष्टाचार कहा, एक परिवारवाद कहा, और एक चीज और कही उन्होंने, तुष्टिकरण। तुष्टिकरण, अब बात आती है तुष्टिकरण क्या है। जिसे आप तुष्टिकरण कर कह रहे हो वो सहायता भी तो हो सकती है। सहायता किसकी होगी? कमजोर की। इस देश में
सबसे ज्यादा समस्या किसकी रही? समस्या रही एससी एसटी और मुस्लिमों की। मुस्लिम सारे के सारे, मुस्लिम मेरे इतिहास रहा है, सारे के सारे मुस्लिम कौन है? ये अरब से नहीं आए हैं, ये भारत के वो हिंदू हैं जिन्होंने, जो बहुत ही गरीब थे और एससी एसटी के लोग थे। ये मुस्लिम नहीं बनते तो आज एससी एसटी की कैटेगरी में ही होते। ये वो लोग हैं, वहां से कोई मुस्लिम नहीं। ये वो अरे मुट्ठी भर मुस्लिम आए थे और उन्होंने आपने पाखंड में उलझा रखा है। आप देखो कावड़ लेने या इनमें कौन जा रहा है? महागरीब, और उसे ये उम्मीद है कि मैं ये कावड़ ले जाऊंगा, दो लोटों को आगे पीछे लटका ले जाऊंगा तो शायद भगवान मुझे कुछ पैसे दे देंगे। उसको कर्म और विद्या नहीं सिखाई आपने, उसको तुम उसको आप पाखंड सिखा रहे हैं। आश्चर्य होता है, दुनिया भर का चमत्कार चारों तरफ फैला पड़ा है, आप ठंडी हवा में बैठे हो, वातानुकूलित। कोई सोच सकता था कि एक कमरा ऐसा होगा जिसमें आराम से ठंड होगी और बाहर गर्मी होगी? कभी सोच सकता था कि चमत्कार नहीं? कहीं कोयला जल रहा है और उसकी एक तरफ कोयला जल रहा है और आप इस कमरे में ठंडक महसूस कर रहे हैं। ये चमत्कार बताने वाले आप नहीं थे, इन चमत्कारों की आप बात नहीं करते हैं। मंदिरों के और उनके चक्कर काट काट के पाखंड पैदा करने के चमत्कारों की आप बात करते हैं। डॉक्टर आपके पूरी धमनी से लेके सब कुछ बता देता है, वो चमत्कार नहीं दिखाई देते? ऐसी मशीन आ गई अंदर से आपकी हड्डियों का, टूट रही है फूट रही है सबकी बात कर लेते हैं, आप कहां चक्कर कटवा रहे हो लोगों को? क्योंकि जहां देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और ये लोग पाखंड में इन्वॉल्व हों तो जनता तो क्यों ना होगी। एक बार उस किसी डॉक्टर के घर में रुके हुए थे, तो घर में रुके हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली बिल्ली निकली, तो डॉक्टर ने कहा बिल्ली निकल गई है, काले रंग की है, रुक जाते हैं। तो उसने पूछा आप मानते हैं इन बातों को? बोले मानता तो नहीं हूं, पर रुक भी जाते हैं तो क्या असर पड़ता है? बोले बहुत असर पड़ता है, उससे यह असर पड़ता है कि एक डॉक्टर भी ऐसे रुक जाता है, लोग देखेंगे डॉक्टर रुक जाता है तो इसका मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी रुक जाता है तो भारत रुक जाएगा, पूरे भारत में बिल्ली काटने पर रुक जाएगा। मैं तो सच बता रहा हूं, मैं आपको, कोई बिल्ली काटे, कुत्ता काटे, गधा काटे, मैं तो कभी नहीं रुकता, कभी भी नहीं, मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर सकता। मेरे विद्यार्थी कैसे हो जाएंगे यदि मैं इन सब चीजों का समर्थन करूंगा? फिर उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, फिर वो चक्कर काटेंगे मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, कि यहां कुछ मिल जाए और हमें पास करा दे कोई। उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, जबकि वो सारे के सारे भगवान खुद हैं, कोई और भगवान नहीं। अपनी पूजा करो, अपने सामर्थ्य से काम करो। तो कभी कभी करते ना, अरे ये नेताजी गए थे, अरे नेता गया था, नेता जानता है, नेताओं के कौन से नेता का, अंबानी का लड़का जाके कावर लेके आ रहा है क्या? है देखा किसी को? कभी कावर वालों में रोक लेना किसी को, धां धां मैं सुबह सुबह आ रहा हूं, कितनी पागलों की तरह। उनके कानों की शार्पनेस तो वैसे ही खत्म हो गई जिस साउंड को वो सुनते हैं। कार निकल रही तो शीशे धम 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 कर रहे कार के, और वो कावर ढूंढ रहे हैं। उनकी क्या हालत होगी जब मेरे अंदर, मैंने चारों शीशे बंद कर रखे थे, उनकी क्या हालत हो रही है? वो सुन रहे हैं और क्या बज रहा है उस पे, और दो लोटों को लटका के जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? आप सबको रोक लो, सब गरीब ही जा रहे हैं। उन गरीबों को कोई समझाने वाला इस देश में नहीं है कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होगा, शिक्षा के अलावा तुम्हारे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे रहेंगे। तुम्हें अंदाज है कि शायद कोई कृपा हो जाए, कोई किसी की कृपा आज तक हुई नहीं है, और पंडित पुजारी का तो धंधा है वो आपको बेवकूफ बनाना कि ये काम करो, तो वो धंधा है। तो इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं जी, उनका कोई यूज नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा वो जो भी बिल लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसी चीज में, मुझे बड़ा दुख हुआ इसका कि किस तरह चेंज किया इन्होंने एविडेंस एक्ट को, एविडेंस और बाकी तो मैंने देखे नहीं, ड्राफ्ट तो तीनों ही आ गए हैं मेरे सामने, मैं देखूंगा तीनों को ही, तो बड़ा बुरा लगा।